11 महीने पहले इस कॉन्सेप्ट का की बुनियाद रखी गई थी और आज ये माशाल्लाह कि ये कैंपस रेडी है रहीम यार खान का और 10 दिसंबर को स्टूडेंट्स भी यहाँ आ चुके हैं। ये एक मैं कहूँगा कि एक मिरेकल है इतने शॉर्ट टाइम में कि इतना बड़ा कैंपस और इतनी एलैबोरेट किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और ये वो निज़ाम है जो क्लोजेस्ट टू कायद्स फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें कि कायदे आज़म ने एक ऐसा मुल्क के बारे सोचा था जिसमें कि किसी भी क्लास को ख़ास तरजीह ना दी जाए और ख़ास तौर पर जो डाउन ट्रॉडन हैं डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको उन पे फोकस किया गया है। इस एक्ट की जो स्पिरिट है वो है ये कि द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर उसकी तालीम का जो बर्डन है वो स्टेट को हमेशा उठानी चाहिए। हमारे लिए बच्चियों को इस एनवायरनमेंट में घर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, इसके लिए हमने बहुत सी कमेटियां बनाई, बहुत से लोग फील्ड में गए, बहुत मेहनत की गई इन लोगों के पेरेंट्स को जाके समझाने में और उनको बताने में कि आप लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए, एक अच्छा सेटअप हमने आपके लिए तैयार किया है। Be more caring, may our town be more peaceful, may we be the successful students indeed. Basically, ये एक बहुत गरीब बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि सैलरी आपकी 6,000 रुपीज से कम हो और ये भी शर्त है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट हों। ये मेरे दादा हैं, वो दादी और ये मेरी मम्मी हैं। 15 दिन हो गए हैं गए को मुझे, वहाँ दोस्त हमारे बन गए हैं। अब पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, टीचर पढ़ाती है। घर वाले कहते हैं पढ़ लो बड़े इंसान बनोगे, बहुत खुश हैं, कहते पढ़ो। दे गेट अप विद द राइजिंग सन एंड दे आर मॉर्निंग चिल्ड्रन। जो करिकुलम का विजन है वो ये है कि इनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और इनकी तरबियत पे उतना ही फोकस होना चाहिए जितना कि उनके मजामीन पर है, क्योंकि नॉलेज का जो नया दुनिया में रिजर्वॉयर है इट हैज़ शिफ्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल लाइब्रेरी इनफैक्ट। मैं जब से यहाँ दाने स्कूल में आया हूँ तो ये दाने स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो कंप्यूटर लैब है। मैंने ऐसे कंप्यूटर लैब अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। Or some any scene or picture. जी हमने जब इन बच्चों को सिलेक्ट किया तो हमें कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी मिले कि जो आगे जाके नेशनल लेवल पर खेलने के भी काबिल हो जाएंगे। हमारा एक्सपीरियंस ये अभी यहाँ ये है कि ये बच्चे बहुत एंथुजियास्टिकली और मोटिवेटेड हैं और वो समझते हैं कि ये उनके लिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है फॉरवर्ड। हमारे सारे टीचर्स एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड हैं और हमें ना वो ना माँ बाप की ना याद नहीं दिला देते और हर वक्त ना हमें मसरूफ़ रखते हैं हर काम में। इन्हीं पैसों से कोई सड़कें ही बनवा सकते थे और कुछ भी बनवा सकते हैं। उन्होंने ये स्कूल बनवाया यहाँ पर। प्रिंसिपल साहब सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ रहते हैं, गुड नाइट कह के हमें जाते हैं यहाँ से। हमारे ज़बरदस्त तालीम है, हमारे तालीम करने का और खेलने का मौका भी टाइम पे है। यहाँ पे शूज़ कपड़े हर चीज़ मिल रही है, खाने का भी हर चीज़ मिल रही है। आप काम कर दी मैं पढ़ लगे अपने आप जोगी चले ए दिल चा ना होगी भाइय पढ़ाता तो मेन मेरा कोई सोचा ही नहींपस जो है वो बड़ा ग्रैंड स्केल पे बना है। यहाँ हॉस्टल बहुत अच्छा है, खेलने के लिए ग्राउंड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्राउंड्स हैं। ये मेरी फैमिली है, आज पेरेंट्स डे है और इन्हें इनवाइट किया गया है कि आए अपने बच्चों से मिले और ये हमें मिलने हैं। आज हमें बहुत खुशी हुई है। संडे वाले दिन ना हम अपनी बहनों से मिलने गए, जब हम वहाँ पर गए तो ना हमने देखा वहाँ के अमले वहाँ जो है ना काम करते हैं वो इतने उनसे खुश थे कि जैसे वो उनकी माए हैं वहाँ पर। And what is the name of this part?
objective lens near the objective to see small. Today we are going to study the microscope and its parts. It's no less than a great social revolution in our country, Danish school system. जो क्लासेस जहाँ से बच्चे पहले ड्रॉप आउट्स थे और वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसको समझा जाता था कि अब ये नॉन प्रोडक्टिव है, यहाँ से इंशाल्लाह यही बच्चे अब हमारे फ्यूचर में लीडर्स भी बनेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फातिमा हाउस एंड ज़ैनब हाउस, होपफुली हम लोग ये जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये बच्चे जो है वो नेशनल टीम जो है ज़रूर बनेगी। आई एम सुंबल बतूल फ्रॉम क्लास 6 रोज, मीट माई टीचर। Welcome to Danish School, Hasilpur. Danish School have already started working and they aim to provide best possible education to their students and to make them the future leaders of our country. We are focusing on activity-based learning, project-based learning and IT-based learning. We have well-equipped IT labs, library and science labs over here. In this game, we have two teams, and in between these two teams, we will pass this ball. In this manner, we can enhance their vocabulary. Hurry up, throw the ball. Although the syllabus is the same, but the way of teaching is different and it is activity-based teaching. The meaning of message. A piece of information. A piece of information. You are right. सबसे पहले मैं आप सबका ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप सब ने हम पे एतमाद किया और अपनी बच्चियों को हमारे पास भेजा। हमें बताइएगा कि आप किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। इनके पापा की डेथ हो चुकी है, 6 साल हो गए हैं और मैं इनका बोझ नहीं उठा सकती थी और मैं अपने अम्मी अबू के साथ घर पे रहती हूँ। इन्हें मैंने बहावलपुर भेज दिया, वहाँ पे पढ़ रही थी, वहाँ से मुझे पता चला कि दानिश स्कूल खुले हैं और मुझे सिर्फ इतना मिली है कि आपकी बच्ची का दानिश स्कूल में दाखिला हो गया है। पहले हम बहुत परेशान थे, अब हम बहुत मुतमईन हैं और शुक्र है, हमारा दिल बिल्कुल खुश है और मुतमईन है कि हम जो ना दानिश स्कूल अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। टीचर ने आपकी ने बताया कि आपकी पिकिंग पार्ट बहुत कम होती जा रही है, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आप। और वो भी यही चाहते थे कि मेरा बेटा हो, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। फिर जब मैं पैदा हुई थी उसी दिन, दो बहनें कि मेरी अम्मी हमारी वजह से बहुत परेशान रहती हैं, वो बीमार हैं, इसलिए अम्मी की वजह से फिर मुझे अम्मी की याद आती है, फिर परेशान हो जाती हूँ मैं। दे वर डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड मेंटली व्हेन दे केम, दे वर अनएबल टू एडजस्ट देमसेल्व्स विद देयर क्लास फेलोज, विद देयर सोसाइटी, एंड दे वर इंट्रोवर्ट। And we have gone through their cases with the help of our counselors, psychologists, doctors, and with the help of the teachers as well. So we are dealing with them now. They are more expressive and they are sharing their problems with the teachers and the counselors as well. So we are focusing on their mental and physical development. We are trying to make and devise a system which will enable us to face the future challenges and to resolve them. Thank you.
Danish is addressing that form of poverty which is called deprivation. One child changes one home and 440 students will change 440 families. हमने वो चीज़ें खेली नहीं थी उधर जो हम यहाँ खेलते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल वगैरह हमने देखे ही नहीं थे, मगर इधर आके हम उनसे खेलते भी हैं। क्रिकेट गलियों में खेलते थे, ग्राउंड नहीं थे हमारे वहाँ, पत्थर थे, यहाँ पे आकर हमें बहुत अच्छा लगा। वेलकम बॉयज कैंपस पंजाब दानिश स्कूल चिश्तियाँ। मैं चाहता हूँ कि आपको अब मैं अपने स्कूल का विजिट करवाऊँ। दिस इज माई आर्ट क्लास। हमने पहली मरतबा पेंटिंग सीखी, पहली मरतबा कलर पकड़ना सीखा और पहली मरतबा हमने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सीखी हैं और हमने कभी सोचा भी ना था कि आर्ट भी एक चीज़ है। They are play with clay at their houses and they can do very good sculptures. They have done it at their homes. Their calligraphy is good on the takti they use at their houses. और ये है मेरा favorite room, library. The major difference between traditional schools and Danish school is that teaching practices are quite different from our traditional schools. We conduct classes over here involving our students. It's a lively classroom where students take active part in teaching and learning process. ये बच्चियाँ एक डेढ़ महीना पहले जब मेरे पास आई हैं तो इनमें से majority girls जो थी उन्होंने computer देखा भी नहीं था, लेकिन ये बच्चियाँ इतनी दिलचस्पी से, इतने इंटरेस्ट से इसको सीख रही हैं। आज आपने देखा होगा कि उन्होंने उसमें पेंट प्रोग्राम में काम किया। हमारी उम्मीदें हैं कि ये बच्चियाँ आईटी में इंशाल्लाह ताला एक बहुत नाम और मुकाम पता करेंगी। The training that was given at Chandbagh was instrumental for us. We were taught there how to build a team and what is a vision and what important role clarity of vision plays in achieving your goals, and then how to build a team, and then within the team how to value a difference of opinion was the basic thing that we taught over there. beta naam kya hai aapka? main shah mehmood. panjam pass kiya hai aapne? ji. to aur padhna chahte ho? ji nahi. kyun? ji padhne dil tak aata hai ga lekin piche nahi aata hai ga. पढ़ने के पिछे हो या कोई कारोबार होगा करने वाला हो फिर पढ़ाई पढ़ ले बच्चा कोई घर हर्ज नहीं होते बेचे जो कि नौकरी अगला पाक दे दे किसी तो अपने को मुलाजमें कर लेंगे बोलना चाहना तो नहीं इन्ना बोलना भैन भरावान पढ़ाई का यह हो सकता। का ऑपोजिट जो होता है वो ये होता है कि बच्चा जो है फिर डेफिनेटली किसी ऐसे ग्रुप में चला जाएगा जहाँ से वो ना सिर्फ अपने लिए नुकसानदेह उसको होगा बल्कि माशरे के लिए भी वो नुकसानदेह साबित होगा कि वो फिर एक्सप्लॉइट किया जाएगा। उन लोगों से बचाना हमारी एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, एज एजुकेटेड पीपल, ये हमारी एक मॉरल, एथिकल, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दानिश स्कूल सिस्टम जो है पंजाब गवर्नमेंट का, ये एक डायनेमिक स्टेप है कि हमारे माशरे में बच्चे जो हैं वो बुराई के रास्ते से हटें और नेकी और अच्छे कामों के रास्ते पर आ जाएं।